ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कल यानी कि वीकली एक्सपायरी जो होने वाला है 12 दिसंबर को, उसके हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, बाद में उसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो आपको क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सके, सो आपको क्या है कि कल ट्रेड लेने में आसानी हो। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में क्या है कि उसमें स्ट्रेटेजी एड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी एड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करें, कुछ जानना है, तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा निफ्टी हो 11,900 से लेके 11,950 के बीच में क्लोज हुआ, तो कॉल साइड से हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कॉल साइड में देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 12,000 के लेवल पे दिख रहे, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ, अगर मैं पुट साइड देखता हूँ तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप 11,900 पे दिख रहा है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए। तो ये हो गया आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी में। अब हम देखते हैं कि निफ्टी कल कौन सा मूव दे सकता है। तो हम कॉल साइड देखें, वहां हमें लॉन्ग पोजीशन दिखने को मिले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी है वो अपसाइड जा सकता है। तो कॉल साइड में देख रहा हूं तो 3-4 प्राइस पे मेरे को क्या है कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप दिख रही है, तो इस पॉइंट से अप जाने के चांसेस है। बाद में हम पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि निफ्टी डाउन साइड जाएगा, लेकिन पुट साइड मेरे कोई ऐसे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। बाद में हम फिर से कॉल साइड आ जाते, अगर मेरे को कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारा निफ्टी है वो डाउनसाइड जा सकता है। तो हमारे इधर क्या है कि शॉर्ट पोजीशन दिखने को मिले तो ये हमारा इस पॉइंट से डाउन जाने के चांसेस भी है। बाद में पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा निफ्टी है वो अपसाइड जा सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन मेरे को पुट साइड भी दिख रही है, तो अपसाइड जाने के चांसेस इस पॉइंट पे भी है। तो इसमें हमने 4 पॉइंट देखे, 4 में से 2 पॉइंट अपसाइड जाने के मिले, 1 पॉइंट डाउन साइड जाने के मिला और 1 पॉइंट में कुछ नहीं मिला। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से कल आपको निफ्टी में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा, वीकली एक्सपायरी है तो आपको एक डाउन ट्रेंड भी थोड़ा सा देखने को मिले। देखते हैं कल क्या होता है और प्रॉपर ट्रेड मिले तभी आप कल ट्रेड कीजिएगा। तो ये हो गया निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा बैंक निफ्टी हो 31,200 से लेकर 31,300 के बीच में कहीं क्लोज हुआ, तो पहले कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमें सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मिल रहा है वो 32,000 पे दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं पुट साइड देखो तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 31,000 पे दिख रहा है, तो ये मेरा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। बाद में बैंक निफ्टी में एक मूव जानने की कोशिश करते हैं, अगर हमें कॉल साइड लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अपसाइड जा सकता है। तो लॉन्ग पोजिशन हमें इधर देखने को मिल रही है। बाद में हम पुट साइड देखें, अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमारा बैंक निफ्टी हो डाउन साइड जा सकता है, लेकिन पुट साइड हमें कोई ऐसे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। बाद में हम फिर से कॉल साइड आ जाते, अगर कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जाएगा डाउन, तो शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। बाद में हम फिर से पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड हमें क्या है कि शॉर्ट पोजीशन देखने को मिले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अपसाइड जा सकता है, तो पुट साइड हमें भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। इन सिंपल हमने 4 पॉइंट देखे, 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट अपसाइड जाने के मिले, 1 पॉइंट डाउन साइड जाने के मिला और 1 पॉइंट में कुछ नहीं मिला। तो जो हमारा बैंक निफ्टी हो कल शायद आपको एक अपट्रेंड देखने को मिले, इसमें भी सेम रहेगा, इतना ज्यादा अपट्रेंड देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि क्या है कि वीकली एक्सपायरी है, तो आपको इसमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या है कि संभाल के ट्रेड करना है, देखना है, अगर प्रॉपर आपको अपट्रेंड या डाउन ट्रेंड में एंट्री मिले तभी आपको लेना है। ये हो गया हमारी ओर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले क्या है कि हम देखेंगे कि जो इसका मेन ट्रेंड है वो कौन सा है। तो मेन ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो इसमें हो सकता है कल आपको ये क्या है कि डाउन ट्रेंड में भी मिले। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा निफ्टी में वो कौन सा होगा, तो 11,700 का जो लेवल है, जो ये नीचे है वही कि 11,700 का लेवल है, वो आपको सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर है तो आपको देखना पड़ेगा क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। और एडिशनली सपोर्ट आप इसे जो है हमारे फॉलिंग सपोर्ट लाइन उस पर हो सके तो ले सकते हो आप,
हो सके कर लिए क्या है कि मॉर्निंग में थोड़ा डाउन जाए, थोड़ा ज़्यादा ही डाउन ट्रेंड मिल जाए, और बाद में इस लाइन के आसपास से आपको कोई ऊपर जाने के साइन मिले तब आप इसमें बाई कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो हो सकता है कल आपको निफ्टी क्या है कि ऊपर जाता हुआ देखे, मॉर्निंग में शायद ये ऊपर चला जाए, तो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 11,980 का लेवल होगा। अगर ये 11,980 के लेवल से आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देता है तब आप वहां से सेल कर सकते हो। बाद में इसके ऊपर देखे तो मेरा दूसरा रजिस्टेंस कौन सा होगा, तो जो मेरा दूसरा रजिस्टेंस होगा वो 12,035 का लेवल होगा। अगर ये 12,035 के लेवल पर आपको सेल साइड अपॉर्चुनिटी देता है तब आप इसमें सेल कर सकते हो। और एक एडिशनली जो एक फॉलोइंग रेजिस्टेंस लाइन है उस पे आपको एक सेल करने की साइन मिले तब आप वहां से भी सेल कर सकते हो। सके कल ये थोड़ा ऊपर जाए और इस जो लाइन है फॉलोइंग रेजिस्टेंस लाइन उस पे आपको सेल साइड कोई ऐसा रिवर्सल मिले तो आप इधर से भी सेल कर सकते हो। तो ये था हमारा बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में। अगर ये क्या है कि आपको कोई भी लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी लेवल पे आपको रिवर्सल मिलता है तब आप वहां से बाय या सेल कर सकते हो। और अगर आपको क्या है कि प्राइस एक्शन पता है और बीच में कोई ऐसी पैटर्न मिल जाती है जो कंटिन्यूस हो या रिवर्सल हो तब आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा बैंक निफ्टी है वो कल कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वर्क कर सकता है। अब हम आ चुके हैं जो हमारा बैंक निफ्टी है उसके चार्ट के ऊपर। तो पहले क्या देख लेते हैं इसके सपोर्ट कौन से होंगे, रेजिस्टेंस कौन से होंगे और कहाँ क्या होगा तब हम बाय या सेल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका मेन ट्रेंड। तो मेन ट्रेंड अभी तक डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, तो हो सके कल भी आपको डाउन ट्रेंड में दिखता हुआ दिखे। तो अब हम इसमें सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो बैंक निफ्टी में कौन सा होगा, तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो 31,000 लेवल ही होगा। अगर ये 31,000 के लेवल पे आपको कोई बाय साइड अपॉर्चुनिटी देता है, नीचे जाके ऊपर का कोई सिग्नल देता है तब आप इधर से बाय कर सकते हो। अगर ये 31,000 लेवल भी ब्रेक हो गए तो उसके नीचे कौन सा लेवल होगा, तो उसके नीचे जो हमारा लेवल होगा 30,820 का लेवल होगा। अगर ये इस लेवल पे भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है कल तब आप इधर से भी बाय कर सकते हो। तो ये थी हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब हम सेल देखते हैं। तो सेल में आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ऊपर चला गया तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो जोन की तरह होगा 31,500 से लेके 31,460 वाला जो जोन है। अगर इस जोन में आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तब आप इधर से सेल साइड आ सकते हो। अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब हमारा दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 31,830 का लेवल होगा। अगर इस लेवल पे भी आपको सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी आप सेल साइड आ सकते हो। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो 31,000 का लेवल होगा, बाद में दूसरा सपोर्ट होगा वो 30,820 का लेवल होगा। अगर इस पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप बाय कर सकते हो। सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो जोन की तरह होगा 31,500 से लेके 31,460 का लेवल होगा। वो बीच में जो जोन है वो हमारा रेजिस्टेंस फर्स्ट होगा। अगर इसके ऊपर जाइए हमें तो इसके ऊपर आपको 31,830 का लेवल है, वो आपको सेल साइड वहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां से आप सेल साइड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।